हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी राइडर। मैं हूँ। तो फ्रेंड्स, हम अभी पहुँच चुके हैं, अभी ये हाईवे के ऊपर हैं। अभी हम तो हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर रोड का वर्क चल रहा है, तो इसलिए रोड थोड़ा आपको ऐसे ही दिखाई देंगे जैसा कि आप दिख रहे हैं वीडियो के अंदर। हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं काफी टाइम से, तो अभी आप हिमाचल का नज़ारा देख सकते हो। आपको वो पहाड़ दिखाई देना शुरू हो गए होंगे अभी, और ट्रक्स वगैरह भी दिखाई देना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री है, तो ट्रक्स का होना तो जायज है इधर। तो काफ़ी सारे ट्रक्स आपको यहाँ मिलेंगे, काफ़ी सारे ट्रैफिक मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं रास्ते। अगर आपको हिमाचल आना है तो आप बाय चंडीगढ़, बाय लुधियाना, कहीं से भी आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अगर मनाली जाना है तो आप स्वारगढ़, बिलासपुर वाला वे हाईवे के ऊपर हैं अभी हम। तो आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा अब। और यहाँ से ये देखिए, ये खुशपुरा का इधर के लिए रूट है इस तरफ, और हम जा रहे हैं स्टेट। सो मैं इसी तरह आपके लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस आगे लाता रहूँगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल का आइकन दबाना जरूर ना भूलें। दोस्तों, हिमाचल में बहुत कुछ है देखने के लिए आप लोगों का, कभी क्योंकि वहाँ काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं देखने के लिए जो कभी आपने देखी नहीं होगी। तो बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए। वहाँ एक्चुअली हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, तो मतलब कि देवों की भूमि भी है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं जिनको आप देख सकते हो। मतलब कि बहुत सारे टेम्पल्स हैं, अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं जिनको आप विजिट कर सकते हैं। तो आप लोग किसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें और मुझे बताएं कि मुझे अपने चैनल के अंदर क्या क्या, और अपने मुझे सुजेशन दीजिए जरूर कि मुझे क्या क्या करना चाहिए इसके लिए, मुझे अपने चैनल को स्ट्रांग बनाने के लिए, और क्या क्या मुझे इसमें जो है वो चीज़ करनी चाहिए। अभी देख रहे हैं चंडीगढ़ और सिद्धूपुर के बीच का नज़ारा, कि हम ओवर ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं। अगर आप हिमाचल आते हैं अपनी गाड़ी से, तो जरूर एक बात का जरूर ध्यान रखें, आप रॉन्ग टर्न से ओवरटेक ना करें किसी व्हीकल को, और जितना हो सके उतना आप केयरफुली आप गाड़ी चलाएं उस साइड, और रॉन्ग साइड से मतलब कभी भी ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो सोचते हैं कि बट वहाँ के रोड जो होते हैं एक्चुअली क्या है, सिंगल वे है, तो उसमें लोगों को पता नहीं लगता एक्चुअली कि क्या कैसा रोड है, कैसे नहीं होंगे आगे, तो उसमें धोखा खा जाते हैं कई बार। सो आप लोग प्लीज़ केयरफुली ड्राइव करें जब भी कभी हिमाचल आते हैं अपना खुद का व्हीकल लेके, बाकी क्योंकि जान है तो जहान है। थोड़ी देर बाद हम रुकेंगे थोड़ा चाय पीने के लिए, तो मिलते हैं फिर आपको चाय के टाइम पर। हिमाचल में एंटर हो चुके हैं। अभी यहाँ पर रोड का वर्क चल रहा है, तो इसलिए रोड थोड़ा आपको ऐसे ही दिखाई देंगे जैसा कि आप दिख रहे हैं वीडियो के अंदर। लेकिन जब हम हिमाचल के अंदर घुसते ना, तो एक अलग अलग सी ही फीलिंग आती है अपने, कि हम अपने एक उसमें आ जाते हैं, बिल्कुल
पता नहीं ऐसा महसूस होता कि हम अपने उसमें आ गए। तो मतलब एक बहुत अच्छा चीज़ लगता है हिमाचल के अंदर घुसने के बाद, एंटर जैसे हम हिमाचल में एंटर होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक जन्नत के यहाँ पहुँच गए हैं। जैसे कि आपको श्रीनगर वगैरह में जाने से लगता होगा, सेम एज इट यहाँ भी ऐसा ही लगेगा। यहाँ पर रोड का वर्क बहुत चल रहा है अभी, तो आप देख सकते हो अभी रोड का काम यहाँ पर चल रहा है ऐसे ही। रोड्स की हालत अभी काफ़ी सुधर गई है, तो आप देख सकते हो रोड कितना अच्छे बन गए हैं यहाँ पर। अभी काम चल ही रहा है रोड्स का, बट रोड अभी बहुत अच्छा बन रहा है। आज तकरीबन हम लोग इकट्ठा एक साल के अराउंड ही अपने घर जा रहे होंगे, तो साथ में हम सब जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे कैसे कैसे एंजॉय करते हैं घर जाने के बाद। हिमाचल में काफ़ी सारी जगह है घूमने के लिए, आपको कुल्लू, मनाली, रोहतांग एंड काफ़ी सारी मणिकर्ण साहिब हो गया जैसे, तो काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पर। मतलब कि आपको अलग सा ही एक फीलिंग आएगा वहाँ जाने के बाद कि अब मैं कहाँ आ गया हूँ, किस जगह पर आ गया हूँ। तो बहुत अच्छी जगह है, आप मानो या ना मानो एक बार आके देखो, आप बोलोगे हाँ यार भाई भाई देवे बहुत अच्छी जगह है। हिमाचल में बहुत टूरिज्म आता है, आप कभी हिमाचल आओ उसका देखो आप यहाँ पर, यहाँ की खूबसूरती को कैसी खूबसूरती है यहाँ की, तो आप देख सकते हो इधर आके। तो हम हिमाचल में एंट्री कर चुके हैं काफ़ी टाइम से, तो अभी आप हिमाचल का नज़ारा देख सकते हो। आपको वो पहाड़ दिखाई देना शुरू हो गए होंगे अभी, और ट्रक्स वगैरह भी दिखाई देना शुरू हो गए होंगे, क्योंकि हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री है तो ट्रक्स का होना तो जायज़ है इधर। तो काफ़ी सारे ट्रक्स आपको यहाँ मिलेंगे, काफ़ी सारे ट्रैफिक मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रास्ते, अगर आपको हिमाचल आना है तो आप बाई चंडीगढ़, बाई लुधियाना कहीं से भी आप आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अगर मनाली जाना है तो आप स्वारगढ़, बिलासपुर वाला वे पकड़ सकते हो मनाली और कुल्लू जाने के लिए, रोहतांग, बाकी सारी जगह आप घूम सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है और काफ़ी चीपेस्ट होटल्स भी हैं यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ ज़रूर आइए, विजिट ज़रूर कीजिए और हमारे प्यारे हिमाचल को ज़रूर देखिए। मंडी भाकड़ा 37, मंडी 114 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट है। अच्छा नज़ारा है यहाँ का, आप हिमाचल का देख सकते हैं कैसी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये कि होटल है यहाँ पर, होटल हिमाचल हिल्स जो इधर मोड़ पे था, भी अच्छा होटल है ये भी। आप लोगों को होटल यहाँ काफ़ी मिल जाएंगे हिमाचल में, आप घूमने के लिए आते हो तो काफ़ी चीपेस्ट होटल भी हैं। ऐसा नहीं है कि यार टूरिज्म है तो महंगे होटल हैं, ऐसा नहीं है, चीपेस्ट होटल्स भी हैं। बाकी अगर इसको घूमना है वो तो फिर घूमता ही है, चाहे उसको कहीं भी जाना पड़े घूमने के लिए। तो फ्रेंड्स तो आप लोगों के लिए मैं वीडियोस ऐसे ही बनाता रहूँ आगे भी, और प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल आर्मी राइडर। आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँगा, और भी जगह का आपको विजिट के बारे में बताऊँगा, छोटी छोटी जगह के बारे में आपको बताऊँगा। तो आप लोग ऐसे ही प्लीज़ अपना मेरे चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके पास नई नई वीडियोज़ आती रहे उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स हम इसी तरह आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे, अभी हम आगे और भी चल रहे हैं, अभी और भी नज़ारा देखेंगे आगे हिमाचल का कि हम कब तक घर पहुंचते हैं अपने।
अभी मोर देन 1.5 आवर समथिंग और लगेगा हमें पहुंचने के लिए घर अपने। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो काफ़ी ड्राइव कर चुका हूँ मैं, तो तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव या 2.5 आवर्स की ड्राइव मैं कर चुका हूँ अभी तक। तो अभी देखते हैं आगे और कितना बाकी सफ़र है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक की लाइन लग गई है गाड़ियों के आगे तक। ये देख सकते हैं आप गाड़ियों की लाइन नीचे से ऊपर तक, दोनों साइड ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ ट्रक्स वगैरह ज़्यादा चलते थे, इस वजह से यहाँ ट्रैफिक रहता है एक्चुअली इस रोड के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो अभी हिमाचल का भी नज़ारा है। ओवरटेकिंग के लिए कहीं जगह नहीं होती है और ओवरटेकिंग करने की जल्दी से कोशिश भी मत कीजिए, यहाँ पर जितना हो सकता है उतना संभल के कीजिए। अच्छा नज़ारा है यहाँ का, आप हिमाचल का देख सकते हैं कैसी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। और ये कि होटल है यहाँ पर, होटल हिमाचल हिल्स जो इधर मोड़ पे था, अभी अच्छा होटल है ये भी। आप लोगों को होटल्स यहाँ काफ़ी मिल जाएंगे हिमाचल में, आप घूमने के लिए आते हो तो काफ़ी चीपेस्ट होटल भी। देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक की लाइन लग गई है गाड़ियों के आगे तक। ये देख सकते हैं आप गाड़ियों की लाइन नीचे से ऊपर तक, दोनों साइड ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ ट्रक्स वगैरह ज़्यादा चलते थे, इस वजह से यहाँ ट्रैफिक रहता है एक्चुअली इस रोड के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो अभी हिमाचल का भी नज़ारा, ओवरटेकिंग के लिए कहीं जगह नहीं होती है। गर्म चाय हमारी अभी, तो ये देखिए मैडम पहले चुस्कियाँ ले रही है चाय की, अभी ली नहीं है, अभी लेंगी, अभी पियो पियो पी लो, नहीं अभी नहीं पीना। हाँ सर दर्द हो रहा है मैडम का, सर दर्द हो गया बताओ। अभी काफ़ी सारे टूरिज्म है यहाँ पर, तो हम लोग अभी चलेंगे आगे, इसके बाद ड्राइव करेंगे अभी आगे, तो आगे का सफ़र कैसा होता है आप लोगों तक पहुंच जाएगा। सो लेट्स सपोर्ट माय चैनल एंड वॉच टिल वीडियो, अभी ओवर नहीं हुई है वीडियो, अभी आगे और वीडियो आपको मिलेगी देखने को। सो आप देखेंगे मंडी भाकड़ा 37, मंडी 114 किलोमीटर यहाँ से लेफ्ट है। हम पहुंच गए अभी टी पॉइंट के ऊपर, ये ढाबा ढाबे का कहते हैं हिमाचल हाईवे ढाबा है, पीछे आप देख सकते हैं हमारे। सो यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ढाबा भी बहुत अच्छा है, तो आप लोग यहाँ पर रुक कर चाय ब्रेक वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो हम भी अभी करने जा रहे हैं टी, तो हम चाय पी लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर हम वापस यहाँ से मूव करेंगे आगे के लिए। होटल के पास हूँ और अभी हम करेंगे अपनी गाड़ी में ड्राइव यहाँ से, तो नेक्स्ट डे अभी देखते हैं अभी कहाँ होता है हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है मेरे पीछे, देख सकते हो अब गाड़ियाँ चली जा रही हैं पीछे से। तो हम देखेंगे अभी आगे, अब आगे का ड्राइव कैसा होगा अभी देखते हैं आगे, सोचेंगे हम अभी नेक्स्ट ऑल्ट अभी शायद घर पर ही होगा जहाँ तक मेरा, हाँ जो, क्योंकि हम नेक्स्ट ऑल्ट अभी लेंगे नहीं कहीं भी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है शायद अभी, तो हम जितना जल्दी हो सके अपने घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और ये ढाबा है पीछे आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में पड़ता है आपका, थोड़ा सा अगर आप स्वार घाट से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा ये, तो हाईवे का हिमाचल हाईवे ढाबा है वो आपको इस साइड में मिलेगा, ठीक है। तो आप आते हो कभी तो यहाँ का, यहाँ पर चाय वगैरह खाना वगैरह जो भी है सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है और चीपेस्ट प्राइस है, तो आप आ सकते हो कभी यहाँ पर, आते हो तो आप ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टी पॉइंट के ऊपर अभी देख सकते हैं, ये रही टेबल और ये रही हमारी मैडम, देखो बिल्कुल थक चुकी हैं, बिल्कुल थकी हारी बिल्कुल बैठी हुई हैं, इनकी हालत नहीं है अभी कुछ बोलने की, ठीक है। देख सकते हो आप, ये देखो इनकी हालत देखो क्या हो रखी है। सो एक्चुअली होता है यहाँ के रोड एक्चुअली ऐसे ही हैं, तो थोड़ा सर घूमता है, तो वॉमिटिंग वगैरह आती है जो सफ़र नहीं किया होता कभी, तो मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर सर सफरिंग करते हुए। तो एनीवे चलता है, अभी चाय आने वाली थोड़ी देर में, चाय पीते हैं एंड लेफ्ट गो, गर्म चाय हमारी अभी। तो ये देखिए मैडम पहले चुस्कियाँ ले रही है चाय की, अभी ली नहीं है, अभी लेंगी, अभी पियो पियो पी लो, नहीं अभी नहीं पीना।
हाँ, सर दर्द हो रहा है मैडम का, सर दर्द हो गया, बताओ अभी होटल के पास हूँ और अभी हम करेंगे अपनी गाड़ी में ड्राइव यहाँ से, तो नेक्स्ट डे अभी देखते हैं अभी कहाँ होता है हमारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है मेरे पीछे, देख सकते हो अब गाड़ियाँ चली जा रही हैं पीछे से। तो हम देखेंगे अभी आगे, अब आगे का ड्राइव कैसा होगा अभी देखते हैं आगे, सोचेंगे हम अभी नेक्स्ट ऑल्ट अभी शायद घर पे ही होगा जहाँ तक मेरा, हाँ जो, क्योंकि हम नेक्स्ट ऑल्ट अभी लेंगे नहीं कहीं भी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है शायद अभी, तो हम जितना जल्दी हो सके अपने घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। और ये ढाबा है पीछे आप देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में पड़ता है आपका थोड़ा सा, अगर आप स्वार घाट से थोड़ा सा आगे आओगे तो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा ये, तो हाईवे का यहाँ पर हाईवे ढाबा है जो आपको इस साइड में मिलेगा, ठीक है। तो आप आते हो कभी तो यहाँ का, यहाँ पर चाय वगैरह खाना वगैरह जो भी है सब कुछ मिलता है, अच्छा मिलता है और चीपेस्ट प्राइस है, तो आप आ सकते हो कभी यहाँ पर, आते हो तो आप ज़रूर यहाँ पर एक बार विज़िट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। एटलीस्ट हम अपने घर पहुँच चुके हैं अभी, और ये देखो अभी हम खा रहे खाना, बटी बटी बटिया खाना था आज जो आया हुआ है, ये देखो स्पेशल खाना है, देखो इधर ये रहा सब कुछ जो हम खा रहे हैं बढ़िया खाना। तो आप लोग भी अभी खाना खा लो और प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल आर्मी राइडर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद आपका। चलो बोल दो फ्रेंड्स को, बोल दो तो हाय तो बोल दो, हाय तो बोल दो, बस आ गया इसमें तुम्हारा।